दमोह जिले के दूरस्थ आदिवासी बनांचल के ग्राम भैंसा कलूमर अलोनी चौरई देवरी जमुनिया खमरिया में पहुंचकर पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी ने गांधी चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक को अपनी परेशानी से अवगत भी कराया, साथ ही समस्याओं के समाधान की बात कही। एसीएन रिपोर्टर निवेश जैन की रिपोर्ट। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर चल रही है, उसी के द्वारा जो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो निर्देश दिए हैं कि देश की हर पोलिंग पार्ट, हर गांव में चौपाल कार्यक्रम भी रखे जाएं, तो आज गांधी चौपाल के माध्यम से दमोह जिले की हम लोग जबीरा विधानसभा की चौरई ग्राम, कमरिया ग्राम, भैंसा ग्राम, अलोनी ग्राम, इन ग्रामों में हम लोगों ने दौरा किया है और पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे सदस्य लोग, हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री रजनी ठाकुर जी, गोविंद तिवारी जी, हमारे दीपक यादव जी और हमारे सभी नेताओं के साथ हम लोग यहाँ आए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस ग्राम चौपाल में अपनी बात रखी है और हम लोगों ने भी जो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत है, रीति नीति, उसके बारे में उन लोगों को बताया। तो लोगों की बात झुकाव कांग्रेस के लिए हो, कांग्रेस की विचारधारा के साथ है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि गांव में अव्यवस्था इतनी है कि ना तो बिजली है और बिजली है तो ट्रांसफार्मर नहीं है, ये स्थिति लोगों ने बताई। जबकि यहाँ पर विधायक भी उनका है, कांग्रेस बीजेपी का और सांसद भी, तब भी लोग बहुत परेशान हैं। ना तो रोजगार है लोगों के पास और ना युवाओं के लिए कोई नौकरी के लिए कोई साधन है। ये सब दिक्कतें लोगों के माध्यम से हम लोगों के लाने इस ग्राम चौपाल में सामने आई हैं। इनको हम लोग ले जाकर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक हम लोग इसको अवगत कराएंगे और जब भी हमारा घोषणा पत्र, बचत पत्र बनेगा, इन इस एरिया की समस्याओं को उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे।